नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, RPAPT टेस्ट चल रहे हैं और लगातार अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो एक्सपीरियंस वीडियो का 115वां पार्ट है और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इससे पहले 114 पार्ट मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं, तो उन पार्ट्स को भी देख लेना है, क्योंकि हर एक बंदे का एक्सपीरियंस आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो सिर्फ आप लोगों से एक ही बात मांगता हूँ, क्या एक लाइक और प्लीज़ शेयर। आप लोगों के पास जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिए। और आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी MC डिफेंस अकेडमी पर अपलोड होती हैं, तो MC डिफेंस अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप लोग है डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। ओके, तो आप लोगों को चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपना डिस्क्रिप्शन खोल के देखना, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि ये भाई का क्वालिफाइड हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग इनका एक्सपीरियंस वीडियो पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। हाँ नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। सर आपका जो है ट्रेड टेस्ट हो गया। सर मेरा टेस्ट डिस्क्वालीफाई हो गया है और नौ उतर के हुसैनपुर उतर जाओ। हाँ। अब वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर नहीं है गुरुद्वारा, वहाँ जाओ, इतना अच्छी व्यवस्था है ना कि मतलब कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम घर पे नहीं है। यानी कि नहाने की व्यवस्था है, फ्रेश होने की व्यवस्था है, फिर इसके बाद जाओ गुरुद्वारा में, अगर पूजा करना है तो पूजा कर लो, फिर इसके बाद लंगर मिल रहा है खाना खाने के लिए, फिर अच्छी व्यवस्था है, पंखा है, कूलर है, फिर पढ़ने के लिए बिस्तर वगैरह सब कुछ है। मतलब एकदम बिल्कुल समझिए कि पूरी व्यवस्था है, यहाँ तक कि शाम को भी चाय देते हैं, सुबह में भी चाय देते हैं। और खाना की व्यवस्था है, जैसे सुबह में तो चावल मिला था और शाम को रोटी और सब्जी मिला था। फिर इसके बाद आपको वो लोग सारी प्रक्रिया बताएंगे, यहाँ तक कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट जितने भी हैं और आपके पास फोटोकॉपी नहीं है तो खुद फोटोकॉपी करके आपको देंगे। बहुत हेल्पफुल है, मतलब बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्पफुल है। इतना हेल्पफुल मैं कभी नहीं देखा था सर। हाँ हाँ बोलिए सर। तो हाँ सर, और फिर इसके बाद अब वो लोग बताएंगे कि ऐसा है कि यहाँ से बेटा निकलो और ऐसे चले जाओ, तुम्हारा सेंटर आ जाएगा। अब आप सेंटर पे चले जाओ 5:30 बजे करीब, और वहाँ क्या करते हैं लोग कि एक लाइन से बैठा देते हैं और जैसे 5:30 बजता है वैसे वो कैंपस में एंट्री कराते हैं, और एंट्री कराने के बाद जो है कि रोल नंबर के हिसाब से लोगों को बैठाते हैं, और 20-20 लोगों का ग्रुप बना था और सभी लोगों ग्रुपों में एक नाम दे दिए, 20 लोगों का एक, 20 लोगों का दो, 20 लोगों का तीन, ऐसे करके 22 ग्रुप बना था हम लोगों में। और फिर इसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो बायोमेट्रिक हुआ, बायोमेट्रिक होने के बाद हम लोग लाइन में लग गए, यानी 20 लोग अंदर गए पहली बार तो उनका बायोमेट्रिक हो गया, वो अलग बैठ गए, फिर 20 लोग गए, बायोमेट्रिक हो गया, अलग बैठ गए, और जिसका बायोमेट्रिक हो चुका था वो आगे चला गया हाथ धुलने के लिए, हाथ धुल के एक लाइन में खड़ा हो गया, और लाइन में खड़ा होने के बाद ऑफिसर 2-2 लोगों को भेजते थे, ऐसे ही जाते मतलब ऐसे रास्ते में गए और फटाफट फटाफट वो लोग पूछते थे ये क्या है ये क्या है, जिसका क्वालिफाई हो गया दूसरे तरफ, जिसका नहीं क्वालिफाई हुआ दूसरे तरफ, ऐसे हटाते जाते थे। और फिर बीच में दोनों साइड में ऐसे घर वाला चूल्हा जो होता है ना, सिंगल चूल्हा था, और एक मेज पे 2 चूल्हे थे और 2 लोग बना सकते थे, तो उसमें टाइम का फाउंडेशन नहीं दिया था, ये सबसे बेहतर था सर। थोड़ा सा क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, हाँ सर थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा सर। आप जो मसाले वाला सेशन था ना, हाँ सर, तो मसाले वाले सेशन में आपने कौन कौन से मसाले देखे हो, क्या आपको हमारी हाँ वीडियो से कोई हेल्प मिली? पूरा लगभग मसाला याद हो गया है मुझे, बताइए। वो जावित्री पूछे थे, फिर इसके बाद हमसे दालचीनी पूछे थे, फिर सोयाबीन की बीज रखी थी वो पूछे थे, आटे रखे थे, एक तो आटा उसका था जोई का आटा था, और एक आटा था ये गेहूं का अपना आटा था, उससे आटा पूछे थे तो आटा बता दिए थे, और फिर इसके बाद दाल पूछे थे, अरहर की दाल थी, मूंग की दाल थी, और फिर मसूर की दाल थी, खड़ा मसूर था, और फिर इसके बाद चना था, चना दाल था, ये मूंग था, और फिर इसके बाद इसमें केसर था, फिर इसके बाद जायफल था, और जीरा, मरीच, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारे थे, मतलब घर में जितने भी यूज किए जाते थे लगभग सारे थे। हाँ। और कोई टप नहीं था, हाँ एक था मुलेठी था, लकड़ी जैसा होता है,
वो आपके वीडियो में मैंने देखा था, वो तो पूछा ही नहीं, लेकिन हम सारे वीडियो मतलब देख रहे थे कि क्या क्या जो सर जो बताए थे, तो उसमें आप जितना बताए थे ना उससे कम ही था, उससे ज्यादा नहीं था। मतलब लगभग सब फंस गया अपनी वीडियो में से। हाँ, खसखस था, और फिर इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं था मतलब जिसमें आपको पहचानने में दिक्कत होगी। हाँ, थोड़ा सा आटा में आप ये रखिए कि जल्दीबाजी ना करिए, आप आटा को छो के देख लीजिए। आटा के भी मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। हाँ सर, लेकिन आटा को छूने से पता चलेगा क्योंकि सब व्हाइट व्हाइट होता है। हाँ। एक उसका क्या बोलते हैं जो पचड़ी होता है उसका लाल होता है और बाकी तो लगभग सेम ही होता है, थोड़ा चेक करना पड़ता है सर। हाँ हाँ, और बाकी कुछ किसी में नहीं दिक्कत होगी। आप मुझसे लगभग आठ आठ लगभग पूछे थे, 7-8 पूछे थे। हाँ सर, आटा हो गया, अब सर मसालों से निकले उसके बाद सर। हाँ, तो फिर इसके बाद आटा हो गया तो मुझे बोले कि ऐसा है कि तुम एक काम करो कि दो रोटियां सेक दो। मतलब तो पहला राउंड आपका हमें, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। हाँ, तो टेस्ट क्लियर हो गया। तो फिर वो जब हो गया तो फिर गए लेके, तो बोले कि अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि मीठा में कुछ बना दो। तो हम क्या सर क्या बना दे आप जो भी बताइए। हाँ। तो बोले कि ऐसा है खीर बना दो या वो क्या बोलते हैं हलवा बना दो। सर तो क्या सर सूजी का हलवा बनाते हैं। तो हेलो बोले कि हाँ जाओ बना लाओ। हाँ हेलो सर, सर, सेकंड राउंड में आपसे क्या बनवाया गया था, रोटी और? हाँ, सेकंड राउंड में रोटी बनवाया गया था और थर्ड राउंड में सूजी का हलवा। तो सर आप रोटी बताइए कैसे बनाना है, बच्चों का और बच्चों का भी सिलेक्शन हो, कैसे बनाए? रोटी बनाने का सबसे आसान तरीका सर ये है कि आप आटा को बढ़िया से गूंथिए, थोड़ा सा नरम गूंथिए। सर टाइम कितना दे रहे हैं? टाइम तो इतना अच्छा मिला था, यहाँ तो इतना अच्छी व्यवस्था है ना कि सर टाइम आप अच्छा से ले बनाइए। आपको 15 मिनट 20 मिनट लेना है ले लीजिए। हाँ, मतलब टाइम बाउंड है। यहाँ जो है ना कि जो लड़के सेलेक्ट हो जा रहे थे उसको 2-3 लड़के जाते ही भेज दे रहे थे, तो वो क्या करते थे वहाँ लोग वेट करते थे, तो कुछ लोग वेट करते थे मतलब चूल्हा खाली होने का, जो खाली होने का वेट करते थे वो आटा गूंथ लेते थे उतने टाइम में। हाँ। या तो सब्जी काटना होता था तो सब्जी काट लेते थे। मतलब ये ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी नहीं करना, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, और सब काम जो है ना कि आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस उनको टेस्ट अच्छा आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। बिल्कुल सर, ओके। आपसे रोटी बनवाया, उसके बाद क्या करवाया सर? उसके बाद वही हलवा बनवाया, सूजी का हलवा बनवा दिए, ले गए टेस्ट किए, तो वो एक बार खाए तो कुछ बोले नहीं, फिर दोबारा खाए, फिर कुछ नहीं बोले, तिबारा खाए, फिर कहे जाओ तुम। तो सभी लोग ले जाते थे अपना प्लेट तो वापस लेके आते थे, तो हमको हम भी सोचे कि हमको भी खाएंगे, तो हम सर से पूछे सर जाए तो कोई हाँ जाओ, तब चले आए। तो फिर इसके बाद फाइनली जो है कि 5-5:30 बजे करीब रिजल्ट आउट हुआ। तो उसके पहले पहले दो बैचों में आज रिजल्ट आउट हुआ था हमारे समय में, यानी कि 210 बच्चे पहले राउंड में हो गए थे, तो 210 बच्चों का रिजल्ट आउट हुआ जिसमें से 6 लड़के पास हुए। हाँ। और फिर जब दोबारा अलाउंस हुआ तो उसमें 10 लड़के पास हुए, आज टोटल 540 लड़के हुए थे सर। हाँ, तो आपका सेकंड राउंड में हो गया मतलब? हाँ सर, हो गया था। अब आप ये बताइए सर, आपने सूजी का हलवा जो आपने बनाया वो कैसे बनाया कि बच्चों का मतलब सिलेक्शन हो गया? सर आपको पता है, सिर्फ मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहता हूँ, सिलेक्शन होना चाहिए एक बच्चों। पॉइंट मेरा यहाँ प्लस था ये कि ये उसमें मैंने कहा सर कि सूखा जो मसाला होता है, जैसे मान लीजिए कि काजू हुआ, किशमिश हुआ, बादाम हुआ, ये सारे चीज हम जब मांगने गए तो बोले कि ऐसा बेटा कि तुम सादा बनाओ, कुछ उसमें नहीं होना चाहिए, चीनी होना चाहिए एकदम सादा, बिल्कुल सादा बनाओ और घी भी ना डालो। हाँ। तो फिर क्या बिना घी का, तो बोले कि रिफाइंड डालो। हाँ। तो फिर रिफाइंड डाल के बनाए थे। तो क्या होना चाहिए, जैसे यदि यदि समझिए कि एक कप अगर आप सूजी सूजी ले रहे हैं तो आधा कप आपको वो डालिए, घी डाल दीजिए या तो रिफाइंड डाल दीजिए। हाँ। और उसको इतना हिट करिए मतलब उसमें से जो सेंट आता है वो खत्म हो जाए, जैसे नहीं होता रिफाइंड का कुछ आता है उसमें सेंट, तो वो खत्म हो जाए ताकि उसमें उसका वो सेंट ना आए। तो जब पूरा हीट हो जाएगा फिर इसके बाद उसको सूजी को डाल के फुल पूरा थोड़ा सा लाल तक भून दीजिए, और भूनने के बाद थोड़ा जितनी मात्रा में आप सूजी डाले हैं उससे थोड़ा कम मात्रा में आप चीनी डाल दीजिए, और चीनी डाल के उसको थोड़ा ऐसे चलाइए कि वो थोड़ा गल जाए। और फिर इसके बाद जब हो जाए प्रक्रिया तो आप बस पैन डाल दीजिए, और पैन डाल के उसको चला दीजिए। हाँ, एक छोटी इलायची होती है उसको भून के उसमें डाल दीजिए, बस हो गया।
बिल्कुल सर, ये आपने और और पानी की मात्रा, लगभग जैसे हम डाले थे, अगर 1 कप डाले थे तो 3 साढ़े 3 कप के आसपास डाले थे पानी, हाँ यानी कि 1 कप वो था सूजी था, तो 3 कप या 3.5 कप के आसपास डाले थे वो पानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सूखा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सूजी का ये क्वालिटी होता है कि जैसे जैसे सूख वो ठंडा होगा ना, वैसे वैसे सूखता जाता है वो। बिल्कुल सर। सर उसके बाद आपका सूजी में हो गया, उसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद जब वहां बैठा दिए, क्वालिफाइड हो गए, तो वहां से 10 लोग जब वापस आए तो उन लोगों को ले गए, यानी हमको ले गए वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ कुछ भी नहीं लगा, केवल हाई स्कूल का ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए और फोटोकॉपी होनी चाहिए, और यदि आप SC ST हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो भी इंडियन वाला होना चाहिए, भारत सरकार वाला होना चाहिए, यानी सेंट्रल वाला ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। तो सर, सेंट्रल वाला ना फोटोकॉपी ले लेते थे और ओरिजिनल आपको दे देते थे। सर, सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए ना हाँ सर। सर? आप कौन सी SC ST से हो, जनरल से हो? नहीं सर, हम OBC से हैं। हाँ तो OBC का भी सर सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता होगा सर, तो OBC का हम बनवा रखे थे पहले से, सर, आप उसका एक और फोटो वैसे भी जरूर हम सब सेंड कर वीडियो देना देखे सर। थे तो उसके पहले से हमारा बना हुआ था, तो हम पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए थे वो आपकी वीडियो की वजह से, वरना मैं छोड़ के आता फिर मुझे जाना पड़ता। बिल्कुल सर। सर आप उसका एक फोटो भेज देना, जिससे क्या है मैं वीडियो में लगा दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ने तो अभी देखा ही नहीं है, कुछ बच्चों ने बनवाया ही नहीं है। फॉर्मेट कैसा क्या है, जिससे हाँ सर, बच्चों को क्या है तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ओके सर, मैं उसका इसी नंबर पे भेज दूंगा सर। इसी नंबर पर आप अपना एक फोटो भेज दीजिए, और साथ ही साथ अपने जो है उसका फोटो जरूर भेज देना, जो आपका है ना सेंट्रल का। अच्छा, सेंट्रल का जो मार्क वो क्या बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र है। हाँ सर, सर जो है आपका सिलेक्शन हो गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हो सर। हाँ सर, सर उससे पहले तो मैं आपका बहुत खुश हुआ, मैं पहले पहला फोन आपके यहाँ किया, क्योंकि आपके वीडियो की वजह से मुझे फायदा हुआ, तो मैं सोचा कि आपको एक बार धन्यवाद करना चाहिए, इसलिए फिर से मैं आपको बहुत जितने बहुत भी धन्यवाद बच्चे हैं देता स्वार्थी ना बने, यदि आपका क्वालिफाई होता है तो आप हमें जरूर कॉल जरूर करें, और हर एक वीडियो को शेयर करें। मैं बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, बताइए सर। अभी आपका लेट हूँ। नाइट हाँ सर, मतलब 8:30 बजे आपसे जो हो रहा है, और अभी भी कंटिन्यू कॉल आने हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपसे ही, इसके बावजूद भी मुझे 3-4 लोगों से और भी होना है। तो मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। MCA डिफेंस एकेडमी नाम से सर मैंने एक और चैनल बना लिया, तो उस चैनल को जरूर हाँ सब्सक्राइब बिल्कुल करें। सर, उस चैनल पे तो काफी विजिट करते हैं, क्योंकि वहाँ ये मतलब जितने भी डिफेंस रिलेटेड होते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता ही रहता है उससे। बिल्कुल सर। सर और कुछ आप बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहोगे, कुछ ऐसा कहना चाहोगे जिससे और भी बच्चों का सिलेक्शन हो? इतना ही हम कहना चाहेंगे सर ना, कि वो घबराए नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं, और हाँ मसालों में तो बिल्कुल नहीं, एक बार आपका वीडियो देख के जाए और आसानी से। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, वहाँ जहाँ ये ऑटो वाला है मैटर, थोड़ा सा आप चेक करके देख लीजिए, बस जैसे आप छुएंगे आपको पता लग जाएगा। हाँ अगर आपको थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं देखना चाहिए, तो दुकान से 100-100 ग्राम खरीद लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, या तो सर दुकान पे आज जाके मैंने चेक कर एक और लीजिए। सर आज मैंने एक और मसालों वाला वीडियो डाला है, एक भाई का जो है सिलेक्शन हो गया था, तो उसने क्या किया था, थोड़े थोड़े मसाले खरीदे हुए हाँ थे, तो उस बंदे ने क्या है हमें, मैंने उनसे बोला था, तो उन्होंने हमें वीडियो बनाकर के भेजा था, तो मैंने उसको क्या है चैनल पर डाल दिया। जितने ही बंदे हमें सुन रहे हैं, यदि उन लोगों को भी हाँ सर, देखना है तो वो चैनल पर विजिट करें, सब कुछ मिलेगा सर अपने चैनल पर, सब कुछ। जी सर, तो वो बहुत अच्छा था। और इसमें नहीं, और दूसरी बात ये है कि ये जल्दीबाजी न करें, जैसे मान जाए कि अगर ऑफिसर कोई दे दिए, कोई भी सामान दे दिए आपको बनाने के लिए, तो आप जल्दीबाजी न करें, हाँ आप एकदम प्रेम पूर्वक उसको बनाए, भले 15 मिनट 20 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लेकिन सर, हाँ ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हाँ उनको लगे कि कुछ अलग क्वालिटी है। बिल्कुल ये भी आपका कहना सही है सर, हाँ, और बाकी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। हाँ सर, हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है अपना कीमती समय निकाला सर आपने भाइयों के लिए, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, ये तो हम तो बहुत खुश थे जब जब वहां से निकले ना, तो मैं सोचा कि आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मेरा लाभ हुआ, यानी कि ये पहला वाला राउंड निकला, और जब तक बिल्कुल पहला नहीं निकलता तो फिर आगे बढ़ते नहीं। बिल्कुल सर, मसालों वाली बहुत बहुत वीडियो से आपको धन्यवाद हेल्प आपको हुआ। भी सर। हाँ सर, थैंक यू सर। सर आप जो है अपना जल्द से जल्द अपना एक फोटो भेज दीजिए, और साथ ही साथ उसका जरूर तो फोटो सर भेज ये दें। जिससे हम बात कर रहे हैं वो व्हाट्सएप नंबर है ना? यस सर, हमारा यही व्हाट्सएप नंबर है। ओके सर, अभी हम सेंड कर दे रहे हैं। क्या क्या सेंड करना है, यानी केवल अपना जाति प्रमाण पत्र सेंड कर दे रहे हैं?
हाँ, और क्या कहते हैं, अपना वो सेंड कर देना अपना एक फ़ोटो। थैंक यू सर, जस्ट अभी कर देना सर। ओके ओके बस जस्ट किया सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।